गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट माइकल्स एकेडमी बेतियाज ई लर्निंग क्लास ऑफ हिंदी स्टैंडर्ड 2। बच्चों, आज हम लोग पाठ 11, जिसका शीर्षक है पेड़, उस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि कवि बच्चा बनकर पेड़ों के चलने की कल्पना कर रहे हैं, यानी कवि यहाँ सोच रहे हैं कि काश पेड़ भी चलते होते। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो यहाँ कवि यह सोच रहे हैं कि काश पेड़ चलते होते तो कितना मज़ा आता। वे उनके तनों में रस्सी बांधकर जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। यहाँ हम लोग पिक्चर में भी देखेंगे कि एक बालक है जो पेड़ को रस्सी से बांधकर और उसका फल हाथ में लेकर उसको अपने साथ ले जा रहा है। आगे देखेंगे, जहाँ कहीं भी धूप सताती, झट उनके नीचे सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उनके नीचे हम छिप जाते। तो कवि कहना चाहते हैं कि जब कहीं उनको धूप सताती, जब धूप सूरज की किरणें उनको सताती, तो वे झट से उसके नीचे यानि वृक्ष की छांव में वे सुस्ताने लगते। सुस्ताना मतलब आराम करने लगते। और जहाँ कहीं वर्षा होती, यानी अगर अचानक से वर्षा हो जाती तो वे उनके नीचे छिप जाते। आगे देखेंगे, लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो जब पेड़ चलते होते, अगर हम लोग साथ साथ ले जाते, जैसे कवि सोच रहे हैं कि काश पेड़ चलते होते और उसके साथ हम चलते, तो अगर अचानक उन्हें रास्ते में भूख लग जाती तो वे उस पेड़ के मधुर फल, मधुर मतलब मीठा फल खाते। और अगर कीचड़ या बाढ़ आ जाती तो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। तो ये सब कवि कल्पना कर रहे हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हम लोग इन सब कार्यों को कर सकते। बच्चों, हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज का गृह कार्य है कि पाठ में आए शब्दार्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। धन्यवाद।